सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर आज शाम की आराधना प्रार्थना में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए, इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो हम सब जहाँ कहीं भी हैं अपने मन हृदय को तैयार करें। इस समय हम सब प्रार्थना करें कि इस वक्त प्रभु हमारे बीच में आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में आए और हमने जिन भी प्रार्थनाओं को आज रखा है उन तमाम प्रार्थनाओं को ईश्वर हमारे जीवन में पूर्ण करें। साथ ही आज हम पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु आज पूरे विश्व के लोगों का उद्धार करें और पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। तो आइए, इस वक्त हम सब शांत हों, स्थिर हों, प्रार्थना की अवस्था में आए। तो आइए, जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो आज जिनके माध्यम से आरंभिक प्रार्थना होगी, वचन की उद्घोषणा होगी, उनका क्रम हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रेणु, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, बहन रेणु, भाई सुमित टोप्पो, वचन को पढ़ेंगी बहन मैरी और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए, हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। जितने भी लोग YouTube पर जुड़े हैं और यहाँ उपस्थित हैं, प्रभु की आदर में, सम्मान में खड़े होंगे और अपने हाथों को खुला रखेंगे, अपनी आँखों को बंद रखेंगे और इस घड़ी ईश्वर पिता को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, उनकी मांग करेंगे कि वो आए और हमारे हृदयों में वास करें और हमें इस पिता से, स्वर्ग पिता से जोड़ने के लिए मदद करें, अगुवाई करें। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हे महान, सशक्तिमान, अनुग्रहकारी जीवित पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर इस पवित्र और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कई ऐसे लोग हैं पिता जो इस घड़ी में इस दिन को नहीं देख पाए। हम सौभाग्यशाली है पिता, तेरी अनुग्रह, तेरी अनुकंपा, तेरा प्रेम प्रभु हम पर उतर कर, उमड़ कर, भर कर आता है कि पिता हम जीवित हैं। इस बात के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। तूने प्रभु भीड़ में से, हम में से हर एक का नाम लेकर पुकार कर बुलाया है कि तेरी इस संगति में, प्यारी संगति में पिता मिल कर तेरी आराधना, उस जीवित ईश्वर की आराधना, महिमा, प्रशंसा कर पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज तेरे बच्चे पिता, जितने भी लोग इस घड़ी में इस संध्या आराधना प्रार्थना में जुड़े हैं पिता। कई लोग पिता अपनी आस को तेरी ओर लगाए हैं पिता, कई निवेदन, कई ऐसी बातों को लेकर आए हैं पिता इस घड़ी में। तो उन सबों की प्रार्थनाओं को सुनने जा रहे हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस घड़ी में जितने भी लोग जुड़े हैं पिता। हम हर एक जन पिता एक एक बातों के लिए जो आपकी पवित्र आत्मा को जब जब हमने शोकित किया पिता, आपकी इच्छा, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध में चला, उन तमाम पापों के लिए, अपराधों के लिए तो उसे क्षमा मांगते हैं। सचमुच में पिता तूने कहा तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं से हिम की नाई श्वेत और उज्जवल बना देता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने अपने वचन के निमित्त हम में से हर एक के जीवन में कार्य किया है। इस घड़ी में तूने अपनी पवित्र आत्मा को उतारा है मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं। तूने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें कहा पिता कि प्रार्थना में विश्वास के साथ जो तुम मांगते हो प्रतीति कर लो कि हो क्या, तो वह तुम्हें मिल जाएगा। हाँ पिता, हम आज विश्वास करते हैं कि हम जो भी विनती, जो भी
प्रार्थनाएं बातों को लेकर आए हैं, तो इस घड़ी में हर एक बातों को तो सुन रहा है और उसे हार आमीन से पूर्ण कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी आराधना प्रार्थना करने में तू हमारी अगुवाई करने जा रहा है, अपनी पवित्र आत्मा को उतारा है इस घड़ी में, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में पिता ईश्वर जो तेरे वक्ता होंगे ब्रदर राज को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता। अंतिम प्रार्थना में भी तेरी प्रबल उपस्थिति रही पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक सिस्टम पर पिता तेरी नियंत्रण है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता उस भीड़ उस कीच में से हम सबों को उभार कर नया किया है पिता, अपने स्वरूप में ढाला और अंश अंश करके हम सबों को बदल रहा है। सचमुच में पिता हम सब कहते हैं कि पिता हमें यीशु की तरह बनाइए, सचमुच में तूने किया है और तू कर रहा है पिता, और हम में से हर एक के विश्वास को बढ़ाना मेरे पिता मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सब कुछ का नियंत्रण तेरी पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा के हाथ में देते हैं पिता, और उद्धार करता यीशु नाजरे के नाम में सारी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं पिता। दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। भाई इस समय हम प्रभु के गीतों को गाएंगे, जो गीत का बोल है आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई। ताइए सभी मिलके आत्मा के साथ जुड़ के उसकी स्तुति उसकी महिमा करें। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए।
आइए इस समय में हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। आइए सभी अपनी आँखों को बंदी रखेंगे। हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देंगे।
पिता, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम जब जब तेरी आत्मा को मांगते हैं प्रभु, तुझे पुकारते हैं प्रभु, तो वो सहायक आत्मा हमारे जीवन में प्रबल रूप से देता है पिता, और तू उसके माध्यम से हमारी निरंतर अगुवाई करता है प्रभु। पिता हम नीरे हैं, हम दुर्बल हैं प्रभु, फिर भी तू छन छन हमें सींचता है, तू हमें संभालता है, हमारे जीवन से हर घड़ी हर क्षण तू अपनी महिमा को लेता है पिता। इस घड़ी इस जगह पर जितने भी हम भाई बहने तेरी समक्ष उपस्थित हुए हैं प्रभु, तू हम सबके जीवन को अपने नियंत्रण में लिया है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं प्रभु, तेरी स्तुति तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, हर एक एक जन को तू अपनी आत्मा के नियंत्रण में लिया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता हमारे अगुओं के लिए प्रभु। आज हम सबों को यह अवसर दिया है प्रभु कि हम तेरे वचनों को तेरी आज्ञाओं को सुन पाते हैं पिता। हे पिता आज के इस दिन में जो भी बातें जो भी शिक्षाएं तू हमें सिखाने वाला है पिता, हम उसे सुनकर सीख पाए, वो हमारे जीवन में फलवंत हो प्रभु, जैसा तू हमारे जीवन से चाहता है पिता, वैसे हम अपने जीवन को जीते हुए तेरे हर एक एक उन आशीषों को उन कार्यों को करने पाए, ऐसी कृपा को देना पिता। हे पिता फिर से आपका धन्यवाद करते हुए यह छोटी सी प्रार्थना को हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज सिस्टर स्थिर प्रभु की दासी, प्रभु ने उनके माध्यम से जो वचन हमें दिया है वो हम सुनेंगे। पहला वचन है जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 12। सियोन की पुत्री तेरे ही पास तेरे बंदी आशा के साथ लौट आएंगे, तेरे निर्वासन काल की क्षतिपूर्ति के लिए मैं तुझे दुगुना लौटा दूंगा। दूसरा वचन है संत लुकस के सुसमाचार से अध्याय 18 पद संख्या 1। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए, इससे जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे बच्चों के लिए, इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी कमियों के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके दुर्बलताओं के लिए, उनके भूख के लिए, उनकी समस्याओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरी दासी सिस्टर स्तर और ऐसे जितने तेरे लोग हैं उन सब के लिए, अपने जीवन से जुड़े हर बात हर कार्य हर लोग के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता
जैसा तू जानता है हर क्षण हर पल हम तेरी इच्छा के विरुद्ध जीते हैं। उन तमाम बातों के लिए जो तुझे दिल दुखाया हो, जो तुझे पसंद ना आया हो, उसके लिए हम सब आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और प्रभु, जो वचन आपने दिया है ये हम सब के समझ से बाहर है प्रभु, आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, जकरिया 9:12 और लूका 18:1, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। फिर उसने उसके विषय में फिर उसने उस इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने दृष्टांत कहा। जकरिया से वचन हम लोगों को दिया गया। आजकल मेरा मन करता है सिर्फ सोए रहने का, सोने का, कहीं एकांत में चले जाने का, लेकिन क्या करें, सिस्टर सर भेज देती हैं। आप लोग अभी ऐसा ही मन करता हुआ ना, वचन है, ये मौसम चेंज हो रहा है, कुछ खाएं, कुछ पिएं, कुछ मस्ती करें, कुछ अच्छा सा दोस्त वोस्त के साथ घूमें, मन करता है ऐसा। तो आज जो वचन मिला हम लोगों को वो जकरिया से मिला। कहाँ से मिला? जकरिया। जकरिया के बारे में आप लोग जानते हैं, जकरिया एक प्रभु के दास थे और दास और भविष्यवक्ता भी थे। जकरिया, हगै, ये सब जो भी प्रभु के दास और भविष्यवक्ता हुए लोग, इन लोगों को छोटा दास छोटा भविष्यवक्ता मैं मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों के बारे में चैप्टर जो लिखा है 2-4 चैप्टर में इन लोगों को निपटा दिया गया। तो जकरिया के बारे में लिखता है कि जकरिया जो भविष्यवक्ता थे, जो भविष्यवाणी करते थे, जो लोग नहीं जानता है कि भविष्यवक्ता किसको बोलते हैं, मैं उनको बताऊँ, भविष्यवाणी करना, अब भविष्यवाणी भी समझ लीजिए क्या होता है। जो प्रभु का आत्मा अपने दास पे प्रकट करता है कि जाके कहो अपर्णा से कि भविष्य तुम्हारा ऐसा होना है, जाके मेरी से कहो कि तुम्हारा भविष्य ऐसा होना है, जाके अमित से कहो कि तुम्हारा भविष्य में ये घटना घटेगी। अब कई बार किसी प्रचारक को सुन रहे होंगे कि अंजना तुम गर्भवती हो रही हो, है ना, तो क्या है ये भविष्य में गर्भ धारण करने वाले। कई बार आप सुनते होंगे किसी प्रचारक को कह रहा है कि फलाने आदमी का कैंसर छूट रहा है, ठीक हो रहा है, प्रभु का आत्मा बता, इसी को भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्य में घटने वाली घटना किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, अगर पवित्र आत्मा, अब पवित्र आत्मा तो सीधे बोलेगा नहीं आपको, है ना, तो पवित्र आत्मा किसी ना किसी शरीर को पकड़ लेता है और बोलता है जाके बताओ क्यों, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वो जब होगा आपके जीवन में तो आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, अरे बोला था फलाना आदमी, बोला था ये आदमी कि तुम बॉम्बे छोड़ के एक दिन सेवकाई करो, जरूर उस प्रभु की महिमा के लिए होगा, है ना। तो क्या होता है ना, प्रभु पहले से बताता है, बताता इसलिए है कि प्रभु के प्रति विश्वास आपका और बढ़े और दूसरा प्रभु के प्रति डर भी और बढ़े। अब कुछ लोग हैं फिर भी नहीं सुनता, योना नबी की तरह, तो उनकी बात नहीं। तो भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता का मतलब यही होता है कि प्रभु उस शरीर को इस्तेमाल कर कर भविष्य में होने वाली घटनाओं को जाहिर करता है ताकि उससे भी प्रभु महिमा ले सके और उस आदमी को इस्तेमाल कर सके और अपने पास ला सके। तो जकरिया नबी भविष्यवक्ता थे, ये पहुंच गए इसराइल में जहाँ जाना था, यरूशलेम में, और यरूशलेम में पहुंचे और कहने लगे कि भाई लोग, तुम लोग जो गंद फैला के रखे हो यहाँ, इसको ठीक करो, ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, ये ईश्वर की शिक्षा नहीं है, ये ईश्वरीय शिक्षा नहीं। अब आप कहिएगा कि क्या गंद फैलाया हुआ था, वो लोग भी पूजा पाठ करते थे,
वो लोग भी आराधना प्रार्थना करते थे, दान दसमान सब देते थे, लेकिन एक अजीब काम करते थे वो लोग। तो जकरिया कहने लगे कि आप लोग जो ये कर रहे हो ना, ये गलत है, अगर ऐसा नहीं सुधरे अभी भी ना तो समस्या में पड़ गए। और साथ में आज के वचन में जो कह रहे हैं कि अगर सुधर गए, अगर वापस आ गए, कहां आ गए, कहां, किधर, जो वचन लिखा हुआ है, कौन वचन पढ़ेगा आपको, पढ़ो वचन, 12 पढ़ो, 9 का 12। लिखता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में दूना आशीष दूंगा। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में दूना आशीष दूंगा। जकरिया 9 का 12 कह रहे हैं कि अगर आपको आशा है, आपको अगर विश्वास है कि प्रभु है, और इतना सा भी, जैसे प्रभु बोलता ना, राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो आपको गढ़ की ओर फिरना होगा। गढ़ समझते हैं, गढ़ मतलब संगति में वापस आना होगा, प्रभु के मार्ग में वापस आना होगा। सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता, आशा विश्वास ये तो सही है, सही होना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद भी एक काम है हम लोगों का कि जो हम विश्वास कर रहे हैं, जो हम आशा कर रहे हैं, उसको कर्म में तब्दील करें। तो कर्म में तब्दील करने के लिए प्रभु बोला गढ़ में वापस आओ। गढ़ मतलब जहां प्रभु, जैसे कैसे बताएं हम आप लोगों को कि जब देखते होंगे किला होता है, किला समझे ना, जैसे हमारे यहाँ लाल किला है, तो होता क्या था कि जब कोई आदमी सुरक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, मान लीजिए लाल किला पे जो राजा हैं या उस समय के जो राजा राज करते थे, अब उस किला के अंदर है तो वो क्या है, सुरक्षित है, अपने गढ़ के अंदर है, क्योंकि जो भी तोप चलेगा, जो भी गोली चलेगा, तो वो उस दीवार पे लग जाएगा, उन पे नहीं लगेगा। जब वो बाहर जाएंगे तो उनकी मरने की चांसेस ज़्यादा हो जाती। तो सारे विश्वासियों को क्या चाहिए कि पहले गढ़ में वापस आए। गढ़ में वापस आने के लिए कि आपको संगति में वापस आना चाहिए, और संगति में वापस आने के लिए आपको कुछ कुछ काम को नहीं करना होगा, क्योंकि संगति में कैसे वापस आइएगा। अब मान लीजिए कि आप मेरे साथ संगति करना चाह रहे है ना, तो संगति में आप जैसे आराधनालय में आ रहे, अब आराधनालय के बाहर तो लिखा हुआ है कि भैया नशा का सामान लेके और नशा करके आप नहीं आ सकते, तो अब नशा करके आप हमसे बाहर में मिल सकते हैं ना, यहां तो मिल सकते नहीं, क्योंकि ये मेरा क्या है, गढ़ है, हालेलुया, ये मेरा क्या है, किला है, जिसके अंदर मैं आके सिर्फ धर्म कर्म का काम करता हूं, प्रभु का काम करता हूं। मेरे बाकी जितने भी मित्र मंडली के लोग हैं, जो खाते हैं पीते हैं मौज मस्ती करते हैं, उनको बोलता हूं भैया 9 बजे के बाद अगर सकल देखना हो इधर नहीं आ सकते हो तो। क्यों, तो ये मेरा गढ़ है, ये मेरा छिपने का स्थान है। प्रभु बोला कि मैं तेरा शरण स्थान हूं, क्या हूं, मैं तेरा शरण स्थान हूं। तो ये जकरिया नबी समझा रहे हैं कि आपको वापस आना होगा, तो पहले तो गढ़ में वापस आने के लिए आपको संगति में वापस आना होगा। और बहुत सारे लोग क्या है कि अब कहा जा रहा है कि क्या मतलब संगति का, क्या मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जब मैं 14 में यहाँ जुड़ा था, देखिए अब 10 साल पूरा हो जाएगा, तो 14 में मैं जुड़ा तो यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे चेहरे मुझे दिखते थे जो भूखे थे, प्यासे थे, नंगे थे। नंगे का मतलब कि खाने का अभाव, पहनने का अभाव, कुछ अच्छा खा नहीं सकते थे। जैसे कोको खाना है हमको, कोको समझते हैं आप लोग ना, चिकन को कुछ लोग कोको बोलता है ना, कोको खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, मतलब चिकन खाएं। बेसिक खाना के लिए भी कुछ लोगों को सोचना पड़ता था। कुछ लोग, मुझे याद है ये सिस्टर से लड़ता रहता था, मेरी नौकरी कब होगी, सबका हो गया, मेरी नौकरी कब हो गई, सबका हो गया, मेरी नौकरी कब हो गई, सबका हो गया।
सुबह से शाम तक गढ़ में रहता था, प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा। सिस्टर एस्थर बोलेंगे उठो तो उठ जाता था, बैठो तो बैठ जाता था। मुझे याद है कि कुछ लोग दुष्टात्मा ग्रसित था, उसको बोला जाता था ये करो, उसको बोला जाता था, वो सब करता था। अचानक क्या हुआ कि किसी के जीवन में नौकरी मिल गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया। मैं देखता था कि कुछ लोग ना पोटी भी ठीक से नहीं कर पाता था। अब क्या है मतलब इसका समझिए कि बैठ नहीं पा रहे हैं, कमोड पे नहीं बैठ पा रहे हैं, इंडियन टॉयलेट पे नहीं बैठ पा रहे हैं। उसके भी जीवन में चंगाई आया, हुचक हुचक के चल रहा। आप देखिए कभी ठीक से ना बैठ पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, थायराइड है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, विभिन्न प्रकार के समस्या से ग्रसित थे। अब जैसे वो लोग ठीक हुआ वैसे ही रफू चक्कर हो गया। क्या हो गया? रफू चक्कर समझते ना, 9-2-11 मतलब भाग गया वो यहां से। अब वो सकल सूरत, मुझे तो 3 दिवसीय रिट्रीट में भी बहुत सारे पुराने लोग दिखे ही नहीं। वो लोग क्या हुआ ना, अब उन लोगों को समझता है कि अब प्रभु की क्या जरूरत है, सिस्टर एस्थर की अब क्या जरूरत है, अब राजविया की क्या जरूरत है ना। उन लोगों को लगता कि अब तो हो गया, सब हो गया, अब किसी दिन रात में व्हाट्सएप आएगा, दीदी मोर पेट बथत हो, सर में पेट में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पत्नी बात नहीं सुन रही है, सैलरी रुका पड़ा है, पाइल्स हो गया है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जन्म लेना शुरू हो गया है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, माँ देख नहीं रही हैं, अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं शुरू हो गया। अब अभी तक तो आप समझ रहे थे कि आप आशीषित हैं, अब तो आपको दीदी भैया की जरूरत है नहीं, प्रभु की क्या जरूरत है, हम तो दान देते हैं, हम तो दशमांश देते हैं, चर्च के लोग आते हैं मेरे लिए प्रार्थना भी कर देते हैं, सब तो ठीक है, हम अपना नॉर्मल लाइफ जी ले। बहुत दिन प्रार्थना उधर चले गए, बहुत दिन फादर पादरी लोग जो बोला एकदम पीछे पीछे घूमते रहे। अब क्या, अब तो मेरा हो गया। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों का मैं फीलिंग देखता हूँ कि वो मन में सोचता है अच्छा एक बार मेरी नौकरी हो जाने दो। बहुत बोला है लोग ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, नौकरी होगा फिर बताएंगे, शादी होगा तो फिर बताएंगे, बच्चा हो जाएगा तो बताएंगे। अरे हमको क्या बताओगे भैया, मैंने क्या बोला, मैंने तो जो प्रभु का आत्मा बोला मैंने आपको बोल दिया। तो ये लोग जिनके जीवन में जो समस्या शुरू हो गई है, अब आप अपने आप को कोऑर्डिनेट करिए। पहले आप समस्या में थे, आप प्रभु के पास आए, प्रभु से जुड़े। कैसे? जैसे यरूशलेम जो मंदिर का जहां निर्माण हुआ उसको जब आप पहले पढ़िएगा बाइबल को, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बाइबल पढ़िए, बाइबल पहले बाइबल, तो यरूशलेम मंदिर से पहले पूरे इसराइल में क्या था, समस्या था। अगर आप बाइबल को गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको पहले ही दास भविष्यवक्ता बराक बताया है कि एक एक पत्थर, यीशु बोले कि ये सब मंदिर ढहेगा, ये सब गिरेगा, एक एक पत्थर गिरा दिया जाए, लेकिन फिर भी अंत नहीं होगा, अंत का आरंभ होगा। हर जगह लड़ाई हो रहा, अभी हर जगह लड़ाई, और ये सारी बातें बाइबल में पहले से लिखी हुई मेंशन है, आप पढ़िए। सारे दास भविष्यवक्ता हो, चाहे जकरिया नबी हो, चाहे यशाया नबी हो, चाहे हगै हो, उसी समय बोल देते फिरो, किधर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। आप जो अपने आप को बहुत काबिल समझने लगे हो, आप अपने आप को बहुत जो टैलेंटेड समझने लगे, अब तो हो गया। एक दिन मेरी भाई की पत्नी, मैं गया था वहां बेंगलोर, आया रात में 11 बजे, तो उसी दिन वो गाड़ी खरीदी थी, मतलब मेरा भाई और वो कार खरीदा था, तो मैं बेंगलोर था। हाँ, हिल्ला जी का ऑपरेशन था, हार्ट ऑपरेशन था, तो मैं बेंगलोर गया था। आया शाम में, बोला भैया गाड़ी खरीदे। मैंने कहा अच्छी बात है, कहाँ कहाँ घूमने गए? भैया 2 दिन से सोच रहे हैं कि घूमने जाएं, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है घूमने जाने का। मैंने कहा यही बात तो मैं समझा रहा था कि एक जमाना था जब टीवी देखने का समय हुआ करता था हम लोग के पास, तो उस समय घर में क्या नहीं था, टीवी नहीं था। आज बड़ा सा टीवी है घर में, 5 फीट का लंबाई चौड़ाई का या 6 फीट का लंबाई चौड़ाई का टीवी है, लेकिन देखने का समय नहीं है। एक समय था जब फ्रिज घर में नहीं हुआ करता था, तो हम लोग सोचते थे फ्रिज होगा तो आम को जमाएंगे, कस्टर्ड बनाएंगे, है ना,
केला काट काट के डालेंगे, अंगूर डालेंगे, कुल्फी बनाएंगे। बचपन में लगता था ना कुल्फी बनाएंगे, आज फ्रीज हो गया तो कुल्फी बनाने का क्या, कस्टर्ड बनाने का भी समय नहीं। एक समय था जब आदमी सोचता था कि मटन का ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कल ही की परसों किसी दिन बोले, हाँ पढ़ना को ही बोले, हम लोग खाना खा रहे थे दोपहर का, बोले खाने के लिए वक्त होना चाहिए। उसके लिए आदमी घर में इत्मीनान से बैठे, खाना फ्राई करे, इत्मीनान से प्याज काटे, थोड़ा हरा मिर्च काटे, थोड़ा सा दाल में अपने से तड़का मारे, थोड़ा सा इधर से कोल्ड ड्रिंक निकाले, इत्मीनान से पैर पसार के बैठ के खाए। समय ही नहीं। जब था, जब भूख थी तो भोजन नहीं था, आज भोजन है तो भूख नहीं है। ये प्रभु का लीला है, लोग समझता नहीं है इस बात को। आज जितने लोगों के जीवन में समस्या बढ़ रही है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे पास लोग आते हैं। आज ही एक भाई आए थे मेरे पास, प्रोफेशन नहीं खोलेंगे, मुझसे बोले कि भैया शरीर में जकड़न लगता है मेरे। मैंने कहा किस टाइप का? पूरा लगता है कि शरीर जकड़ा हुआ है। मैंने कहा फिर? पेट में लगता है कुछ आंत मेरा बांध दिया गया है। मैंने कहा वेरी गुड, प्रार्थना करते? हाँ करते बिल्कुल, सुबह शाम करते हैं भैया प्रार्थना। डॉक्टर से दिखाएं? हाँ दिखाएं 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 दिखाएं। हम बोले कि सुने ना, बुरा नहीं मानिएगा, जो करते हैं वो तो लिखे नहीं। नहीं नहीं ऐसा तो सब लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम किन लोगों को पीटते भी हैं कभी कभी, जब बात नहीं मानता लगता बहुत बुरा मार देते, लगता मर जाएगा। हम कि ओ पत्नी को कभी कभी भैया कभी कभी मार देते हैं। मैंने कहा सही है, कभी कभी, कभी कभी पीटने में क्या जाता, अपनी पत्नी है। साल में इतना दिन आदमी 364 दिन प्यार किया, एक दिन अगर पीट ही दिया तो अपना प्रॉपर्टी है, कोई बुराई थोड़ी है इसमें, क्या फूलमनी थी, कोई बुराई है अपने पत्नी को पीटने में क्या है। हम बोले कि अब कुछ और बताएं जो पवित्र आत्मा आपके बारे में बता रहा है। हाँ बताइए ना। हम के दारू पी के पोस्टर उस्टर फेंकते हैं, जीजस को भी पीटते हैं। बोला क्या बोल रहे हैं? हम के सही याद कीजिए। हाँ एक आधा बार ऐसा किए होंगे, बाइबल फेंक देना, क्रूस फेंक देना, जितना सजावट का सामान है फेंक देना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आपको क्या लगता है कि यहां हम लोग क्या करने बैठे हुए? हम में दुर्बलता है ठीक है, लेकिन प्रभु का आत्मा भी तो आत्मा का। बाद में वो मेरा चेहरा देखने लगा, हम कि कब से जुड़े हुए? बोला हम तो जुड़े बहुत से हैं, एस्थर दी से मिलते थे, आप तो पहली बार दिखे। मैंने कहा जितनी भी बातें बताई। हाँ भैया वो गुस्सा में ना हम कुछ भी बोल देते हैं, हम कि कुछ भी ईश्वर को भी बोल दीजिएगा। हाँ भैया कभी कभी बोल देते, हम कि जकड़न में रहिए फिर। आप पूरा दिन पूजा कीजिए, पूरा दिन आप प्रार्थना कीजिए, पूरा दिन आप सब कीजिए, और अचानक से क्या कीजिए, किसी का उतार दीजिए। 365 दिन आप अपने माँ बाप का सेवा कीजिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और 65वां दिन उसको डंटा से मारिए और बोलिए कि 364 दिन तो हम बहुत प्यार करते थे, उसका प्रतिफल नहीं मिलना चाहिए हमको, है ना। आप अगुआ का 360 दिन बहुत रेस्पेक्ट कीजिए और साल में 5 दिन उसका उतार के रखिए एकदम, बोलिए 60 दिन तो बहुत रेस्पेक्ट किए हैं ना। आप अपने ईश्वर का, अपने परमेश्वर का, अपने बड़ों का आप पूरा कीजिए और साल में 2 दिन दारू पी के उसको गाली दे दीजिए, बोलिए बाकी दिन का प्यार याद नहीं है। इसको कहते हैं गढ़ के ओर क्या करना, वापस आना। और प्रभु बोला कि अगर आप वापस आते हैं, जैसे आपको पता होगा कि यरूशलेम मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो निर्माण के बाद वहां दाऊद राजा हुआ करते थे, उसके पहले राजा दाऊद हुआ करते थे, उसके बाद सुलेमान राजा था, और बहुत अच्छे से आराधना प्रार्थना सब कुछ होता था, सब कुछ सिस्टमेटिक चलता था। बाद में क्या हुआ वहां, बाद में क्या हुआ कि बाद में जब वो लोग ज्यादा ही समझे कि हम ज्यादा ही धर्म कर्म होने वाले, आप देखते हैं ना नया नया बच्चा आराधना करता है प्रार्थना करता है, कुछ दिनों के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो सबसे पहले उसको लगेगा हूं अब क्या है। जैसे कई बार हम सिस्टर एस्थर को बोलते हैं कि सारे बच्चों को हम लोग पुलपिट देते हैं यहाँ,
जो भी बच्चा आता है 2 महीना 4 महीना किसी को हम लोग गाना गाने दे देते हैं। आप देखे होंगे हमारे यहाँ कि किसी भी बच्चे को हम लोग पुलपिट पे चले जाते हैं, जाओ बच्चा सुना लो वचन। अब वो 4 ही दिन बाद सबसे अच्छा उसको लगता है, अच्छा अब क्या, अब तो हम यूट्यूब पे आ गए, अब क्या, अब तो ये है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कई बार मेरे लिए ही क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। तो जब यरूशलेम मंदिर का निर्माण हुआ और जब लोगों का, फरीशी लोग का, उस समय का जो भी लोग था, जो नबी लोग था, जो सो कॉल्ड नबी लोग था, उन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो लोग समझे कि हम पूजा पाठ करेंगे लेकिन बाकी कुछ भी करेंगे तो चलेगा। जो समझिएगा बात को, जैसे आज जो भाई आए हैं कि हम तो प्रार्थना करते ही हैं, हम तो ये करते हैं, और प्रभु बोला कि बोल इससे कि तू ये मेरा दास है, ये जब तक सुधरेगा नहीं हम इसका कुछ भी ठीक करने वाले नहीं है। और सोचिए वो 6 फीट के आदमी पूरा ऐसे एकदम, उनके बॉडी को ऐसे कोई लग रहा था जैसे बांध दिए हुआ है, आंत उनका बांध दिए हुआ है, बीमारी में ऐसे चिल्लाते हैं। हम बोले चिल्लाते चिल्लाते आप ना यीशु पे भी चिल्लाने लगते, तो क्या करें भैया, मेरे साथ ऐसा होता है। फिर अपने फॉर्म में आ गए थे। मैंने कहा भाई मत चिल्लाइए, अय्यूब को याद कीजिए, बाकी लोगों को याद कीजिए। तो बोलने लगे भैया क्या करें, एक दिन हम खूब दारू पिए। मैंने कहा वेरी गुड। उसके बाद तो भैया जब दारू पी के सब कुछ फाड़ फूड़ के फेंक फूक दिए, पत्नी को भी सुना उना दिए, अचानक देखे कि रात में एक वाइट कपड़ा हुआ पहना हुआ सिरान तकिया के पास बैठा और एक वाइट कपड़ा हुआ पहने हुए पैर के पास बैठा और बोला कब तक हमको गाली देते रहोगे। मैंने कहा प्रभु जब यही आपके साथ खुदी हो रहा है तो मेरे पास क्यों आए थे, है ना। और वो बोला भी भैया जैसे आप बोला अय्यूब को देखो वैसे हमको वो भी बोला, अय्यूब याद है। मैंने कहा समझ गया ना, तो बोला समझ गया, हमके फुलमनी दिल्ली जी इनको प्रार्थना करें। लोगों के साथ ये समस्या है, और समस्या समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मिनट ज्यादा हो गया, बहुत मजेदार टॉपिक कि लोग समझता है कि हम दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, हम तो रोज एकदम पूजा कर रहे हैं। अब समझिए कि रोज आप किसी का सम्मान कर रहे हो और हर 10 दिन बाद उसको 1 दिन के लिए उसका उतार दे रहे हो, ये बैलेंस बनाते हैं आप, बैलेंस बनाना समझते हैं ना, कि बहुत दिनों तक ज्यादा प्यार हुआ कहीं माथा पे ना चढ़ जाए तो उतार के रखो, इसको बैलेंस बनाना करते हैं। और उस समय जो जब जकरिया नबी जा रहे थे तो जकरिया नबी क्या समझाना चाह रहे थे, वो लोग कर क्या रहा था, सो सुनिए आप। क्यों जकरिया नबी बोल रहे थे कि गढ़ की ओर फिरो तो तुम्हें दूना आशीष मिलेगा, यह सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। आज जो लोग भी प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं लेकिन वो सो कॉल्ड चल रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि शुरू शुरू में प्रार्थना दल से जुड़े हुए थे, शुरू शुरू में चर्च एकदम नियमित जात, आप देखे होंगे किसी लड़के का लोटा पानी होने वाला, मैं वचन पे जाने से पहले एक देख एकदम नियमित चर्च जाएगा, वो टाइम से चर्च जाएगा, पता है पुकार होने वाला है, पता है फादर अगर गड़बड़ा गए, पादरी अगर गड़बड़ा गए, एकदम टाइम से पंच के पास जाए, इस्सू साहब लेटर भी साइन करने वाला है ना, और एकदम फैमिली में सोसाइटी में इमेज ऐसा रहेगा उस लड़का लड़की का जो आप लगेगा कि इससे बेहतर तो लड़का हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर लड़की तो हो ही नहीं सकती। आज एक भाई मेरे पास आए, मैंने कहा हाँ बताइए क्या सेवा कर, उनकी पत्नी भी आई थी, भैया मेरा संसारिक किताब पढ़ने का मन नहीं होता है। मैंने कहा संसारिक किताब सरसली या कुछ उस टाइप का, और भी हम तो बदमाश, मेरे मन में और भी विभिन्न प्रकार का किताब आने लगा है ना, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। हम बोले संसारिक किताब का क्या मतलब है आपसे, बोले भैया वो कंपटीशन का किताब। मैंने कहा अच्छा वो संसारिक किताब है, आत्मिक किताब कौन सा है, बोला बाइबल। मैंने कहा आपको सिर्फ बाइबल पढ़ने का मन करता हूँ, वेरी गुड, तो संसारिक किताब नहीं पढ़िएगा तो नौकरी में क्या लिखिएगा, क्वेश्चन आएगा भारत का राजधानी लिखिए तो मत्ती मरकुस योहन्ना लिखिएगा, क्या लिखिएगा, है ना, लाल किला पर झंडा कब फहराएगा तो यरूशलेम मंदिर के बारे में जाके लिखिएगा, भैया किताब तो पढ़ना ही होगा। मतलब उनका सोचना था कि जैसे वो बोलेंगे कि हम सांसारिक किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, हमको केवल बाइबल पढ़ने का मन करता है, तो हम खुश होकर गले लगा, हा हा कितना धर्मी आदमी है, इधर आओ, या तो उल्टा हो जाता है।
हम बोले कि जब आपको नौकरी करना है तो आपको किताब तो पढ़ना होगा, उस संसारिक कैसे हो गया, वो तो किताब है, उसको तो पढ़ना होगा। फिर मैंने पूछा कि आपके विवाह ये कौन है, तो मेरी पत्नी, उनकी आपकी अपनी वाली, हम के मेरी अपनी वाली, कहाँ रहती हैं, तो फलाना जगह रहती हैं, जॉब में है, तो आप इनके साथ क्यों नहीं रहते हैं। भैया इस सब काम में ना मेरा मन नहीं लगता है, हम के कौन सा काम में, पत्नी के साथ रहना, घूमना फिरना, टीवी देखना, मूवी देखना। मैंने पूछा शादी क्यों की, जब मन नहीं लग रहा था आपको तो शादी क्यों की, आपको जब सेवक बनना था फादर बन जाते जाके, इधर किए तो कितने दिन का शादी हो, अभी तो एक साल भी नहीं हुआ। मैं क्या प्रभु एक साल में आपका ये हाल है ना, आत्मिक किताब पढ़ना है, सांसारिक पुस्तक नहीं पढ़ना है, पत्नी में इंटरेस्ट खत्म हो गया है ना, फिल्म देखना मुझे बोर लगता है, टीवी नहीं देखना है। मैंने कहा तो आपको नहीं लगता कि आप यीशु मसीह को बदनाम कर रहे हैं। पूछा कैसे, मैंने कहा अपनी पत्नी से पूछिए ये क्या चाहती हैं। अब ये क्या चाहती हैं हम बताते हैं आपको, ये चाहती हैं कि ये जहां नौकरी करती हैं वहां आप इनके साथ जाके रहें, है ना, ये चाहती हैं कि उसी शहर में आप कोचिंग करके तैयारी करें, सुबह शाम आप प्रार्थना करें, सुबह शाम आप बाइबल पढ़े, दिन भर और घर पे मदद करें, इनके साथ आप प्रेम करें, रोमांस करें, मस्ती करें, एक नॉर्मल लाइफ लीड करें। जब आपका नौकरी हो जाएगा, फिर आपका अगर कॉलिंग होगा, बाद में रिजाइन करके सेवकाई कीजिएगा, उस समय सिर्फ आत्मिक किताब पढ़िएगा। 6 महीना की शादी हुई है और आप सारा आत्मिक बात कर रहे हैं, रात में जाके भी उसको वचन सुना रहे होंगे, तो हाँ कभी कभी है ना, दर्शन की बातें, स्वप्न की बातें करेंगे, तो तलाक ही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि लोग हम लोग कैसे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे खेल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे खेल रहे हैं, और यही काम जकरिया नबी वहां जाके कह रहे थे कि तुम लोग जो दिखावा का धर्म का काम करो, संपूर्ण रूप से गढ़ की ओर पूछो, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मैंने आज उनको उदाहरण दिया, दाऊद से बड़े आराधक हो, तो बोले नहीं। मैंने कहा दाऊद को बेटा था, हाँ, क्या नाम था, तो सुलेमान, कहां से आया, पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत किया होगा तभी तो आया होगा, तो बोला हाँ, हमके तो वो तो गलत था उसके लिए। अब यरूशलेम का लोग भी यही काम करता था, सारा उल्टा पुल्टा काम, जैसे मैंने आपको बताया ना वही काम। अब वचन सुनिए अच्छा लगेगा, प्रचार समझ में आ रहा आप लोग को, अरे टाइप कर दीजिए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बूढ़ा आदमी से इतना बुलवाते हैं आप लोग। पहला वचन जकरिया 1:4, जकरिया 1:4, अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो अगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अब बताइए, सारा विश्वासी लोग है, फिर भी प्रभु कह रहा है कि जैसे पुरखा लोग आपका कर रहा था वैसे ही आप कर रहा, तो पुरखा लोग क्या कर रहा था आपका, जो प्रभु जकरिया नबी जाके ऐसे यरूशलेम में रहने वाले जितने भी विश्वासी थे उनसे कहने लगे कि पुरखा लोग क्या कर रहा था। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे बाबूजी या दादाजी या वो लोग जो ऐसे करते थे वैसे ही करते थे। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में जैसे मुझे याद है कि मेरे दादाजी जब देखते थे कि कोई बैकवर्ड क्लास से है, कोई एसटी क्लास से है, और मेरा बंगला था जहां बैठने वाला, मान लीजिए वो दरवाजा है, सुनो वहीं जूता खोल के आना, अब वो बेचारा गरीब आदमी वहीं जूता खोल देता था, है ना, ये मोहम्मदन आदमी इसका थाली अलग रखना, ये एसटी है इसका थाली अलग रखना, क्यों, तो हम लोग बड़े जाति से। अब वही काम हम भी आज करें और दिन भर हालेलुया 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 करते रहे, लेकिन जैसे कोई दूसरे
तो जो गलती हमारा पुरखा करता था आज हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना, हम तो सब जान गए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। बाइबल तो हम हाथ में रखे हुए हैं लेकिन आज भी हम बैर कर रहे हैं। तो पुरखा लोग वैसे ही करता था। पुरखा लोग पहले क्या करता था आपको याद होगा, पुरखा लोग क्या करता था, जैसे कोई बुद्धिवा हुई उसको समाज से बाहर कर देता था ना, याद है ना आप लोग को, वो विधवा क्या हुआ, समाज से बाहर हो गया। अब हम भी वैसे ही करें, ये तो विधवा है, ये तो छू देगी तो अशुभ हो जाएगा, इसके साथ तो नहीं करना है, और नजर दिखाए हुए हैं कैसे कैसे इसका धन हम क्या करें, हड़प लें, और एकदम टाइमली दशमांश दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। ये काम हमारा पूर्वज लोग करता था कि नहीं करता था ना। आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं लेकिन रूप बदल गया है। आज हम लोग कवच लगा ली। ये क्या है कि जैसे अपनी समस्या समाप्त हो गई हम फिर वैसे ही चले गए। गांव देहात में लोग जो पहले हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, जमीन घसका घसका के बढ़ा देते थे। पहले वो हल से घसकाते थे, आजकल हम लोग ट्रैक्टर से घसका देते हैं। काम तो वही करते हैं। अब यही बात जकरिया नबी उन लोगों को समझा रहा था कि गढ़ की ओर फिरो। अगर तुम फिर जाते हो, अगर तुम में आशा है कि प्रभु है, तो सही में प्रभु के मार्ग पे चलो। और समझाते समझाते एक लाइन समझाएं जो क्या क्या तुमको नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए वो समझाएं। कहता है कि 14 पढ़िए, 8:14। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे तब मैंने उनकी हानि करने के लिए ठान लिया था और फिर ना पछताया। कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे पुरखा लोग हमको रिस दिलाते थे, रिस दिलाना समझते हैं, गुस्सा दिलाते, चिढ़ाते थे, कितना भी समझाया जा रहा है लेकिन घूम फिर के वही काम कर रहा है। तो जब रिस दिलाना मतलब चिढ़ाना, इरिटेट करना, इरिटेट करते थे ना, तो ईश्वर बोला कि हमने अब सोच लिया कि अब इसको बर्बाद ही कर देते, देख हम ठान लिया। क्या लिखता है यहाँ, तब मैंने उसकी हानि करने की ठान ली और ना पहचान, लेकिन बर्बाद कर देना और कोई गिल्ट भी फील नहीं हो रहा। तुम भी वैसे ही करोगे, तुम फिर उसी पैटर्न पे चले गए। तुम सारा बाइबल जान लिए, तुम प्रार्थना उदय से जुड़े हुए, तुम विभिन्न प्रकार की ऑडियो वीडियो देख रहे हो, सब सच्चाई जान रहे हो, तो तुम तो कम से कम गढ़ की ओर फिरो और उसके बदले में मैं तुमको दुगना आशीष दूंगा। लेकिन सारा हरकत तुम्हारा वैसे ही है, मतलब ये तो वैसे ही हो गया ना कि पढ़े लिखे आप गंवार हो गए। ये कभी लिखे ये आदमी पढ़ा लिखा गंवार है, सुने ये लाइन, पढ़ा लिखा गंवार किसको कहते हैं? अब डिग्री पूछे, बेटा क्या पढ़े हो? हम लोग पूछते हैं मेरी क्या पढ़ी हो? पीजी किए हैं। किसी से हम लोग पूछते हैं क्या किए? ऑनर्स किए हैं, है ना। और बाल ठीक से झाड़ने नहीं आता है, कहीं सभा में चार सब बोलने नहीं आता है। बोल दीजिए उसको, बेटा लिखो लेटर अंग्रेजी में, रेस्पेक्टेड टीचर। रेस्पेक्टेड का भैया अंग्रेजी क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा, टीचर का स्पेलिंग क्या होगा? क्या पढ़े थे तुम? आजकल बच्चे को अप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दिया जाए, वो भी कैसे, हिंदी में एक अप्लीकेशन लिख देना, आदरणीय प्रधाना अध्यापक। तो देखिए कैसे आदरणीय और प्रधाना अध्यापक एक लेटर लिखने में पूरा दिन ले लेगा। इसको क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा गंवार। आप पढ़े लिखे भी कोई फायदा नहीं है। और वैसे ही धर्म जानने के बाद भी आप वो सारा काम कर रहे हैं जो आपके पूर्वज अनाड़ी होके कर रहे थे, तो प्रभु तो भड़केगा ना कि जैसे वो चिढ़ाते थे वैसे तुम भी चिढ़ा रहे हो। अब क्या क्या हम लोग नहीं करते, सुनिए क्या क्या हमारे पूर्वज करते थे और हम भी वही कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को, याद रखिएगा और इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। 7:8-13। फिर यहोवा का यह वचन जकर्याह के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ
कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना, परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं की यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्य वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उसके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। हालेलुया। बताइए, सीधे सीधे कह रहे हैं, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं कर रहा कि भैया आप जब विश्वासी हो, आप जब क्रिश्चियन हो, जब आप ईश्वर को मानते हो, अभी भी आप अनाथ के साथ अत्याचार कर रहे हो, अभी भी आचार है उसका धन छीन ले, उसको घुमा फिरा के खा ले, अभी भी आप विधवा को चाह रहे कि कर लो, अभी भी आप को दया नहीं है, अभी भी कोई बाहरी आदमी मिलता है तो उसको सोचते हो लूट ले, छीन ले, यहां कौन जानता है ना, कोई दीन है, कोई गरीब है, उस पर आपको दया नहीं आता है, अभी भी मन में सोच रहे हो कि इसको कैसे इसका उसको बर्बाद कर दे, इसका धन छीन ले। और जो चीज हम लोग समझा रहे हैं, जो प्रभु समझा रहा है, उस पर आपका चित्त नहीं लग रहा, अभी भी सारा खुरपात आपके अंदर चल रहा। यही काम तो आपके पूर्वज करते थे, बस उनका तरीका अलग था, है ना। पहले लोग जब चुराता था तो क्या करता था, मिट्टी के घर में सेंध मारता था और सामान सब चुरा लेता था। अभी उसी चोरी को स्टैंडर्ड हैक से हैक कर लेता है, पैसा अकाउंट से अपने आप ही निकाल लेता, तो क्या वो चोरी नहीं है, पढ़ा लिखा चोर ही है आप, कि वो जो चुराता था वही चोर था, आप जो चुराते हो चोरी नहीं है, आप भी चोर ही है भैया, आप स्टैंडर्ड एजुकेटेड चोर हैं, आप सब जान के चोरी कर रहे। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि गढ़ की ओर फिरें, अगर ये सब काम छोड़ दें आप और फिर आप प्रभु में चले, नहीं तो बाकी सब दिखावा है। क्या है कि एक जगह लिखता है यहां मैं पढ़ता हूं 7:5 में, कुछ बीच में लिखा हुआ है, उपवास और विलाप करते हो तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते हो। हालेलुया। 7 जब पढ़िएगा, जकरिया 7 पढ़िएगा, 7:5 का बीच में वचन लिखा हुआ है कि 7वें महीना में उपवास और विलाप करते हो तो क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते हो। हालेलुया। एकदम प्रभु कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं आजकल उसमें क्या सही में धार्मिकता है, अगर नहीं है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आपको क्या करना चाहिए वो प्रभु बता रहे हैं। अगर आप इन चीजों से लौट जाएंगे तो प्रभु बोला कि जैसे मैंने आपके पूर्वज को, पूर्वज लोग आपका रिस दिलाया और मैंने उनको श्राप देने के लिए ठान लिया था, तो अगर आप लौट जाएंगे तो मैं आशीष देने का क्या करूंगा, ठान लिया हूं, मतलब आप आशीषित होंगे ही होंगे और जस्ट डबल आशीषित होंगे। ये सिंगल वाला काम नहीं है यहां, ये भर भर के प्रभु देता है। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी, एकदम दबा दबा के, हिला हिला के ईश्वर आपको देगा। करना क्या है देखिए, प्रभु एकदम कमिटमेंट करता है। आज पढ़िए 8:15-17 तक। 8:15-17, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना है, इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं बड़ा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है,
अनयूजुअल झूठ बोलते हैं हम लोग, अनयूजुअल धोखा दे रहे हैं, अनयूजुअल किसी को फंसा दे रहे हैं, अनयूजुअल माँ बाप के खिलाफ चल जा रहा है। कभी देखा इस काम से कोई भला नहीं है, लेकिन हम अब मान लो हम ही सिस्टर एस्थर को हराना चाहें, उनको क्या हराएंगे, या वो हमको हराना चाहिए क्या हराएंगे। पांच मिनट अगर मेरे से कुछ गलती भी हो गई, अगर उसी को पकड़ के वो रखी हुई है, क्या फर्क पड़ता है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधी में मैं समझ सकता हूं कि लोग बुरे हैं, लेकिन आशीष आपको चाहिए ना, तो आपको भूलना होगा और आगे बढ़ जाना होगा और अपने तरफ से कुछ भी गलत नहीं करना होगा। प्रभु कह रहा है कि जैसे मैंने ठान लिया था आपके पूर्वज को और उन लोगों को श्रापित करना, वैसे अगर आप छोटी छोटी बातों में ईश्वर की प्राथमिकता देने लगे, ईश्वर के मार्ग पर चलने लगे, तो मैंने आपके आशीष को भी ठान लिया है और दूना आशीष दूंगा। लूका 18:8-19 में आखिरी में लिखता है, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। हालेलुया। लूका कह रहे हैं जकरिया 8:19 का अंतिम लाइन में पढ़ रहा हूं, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं ना विश्वासी होने में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई, कोई कठिनाई नहीं है। बहुत आसान सा काम है कि अगर आप थोड़ा छोटी छोटी बातों पे अगर आप प्रभु जो कहता है वो करने लगते हैं, तो आपका जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। इसी को कहते हैं गढ़ में वापस आना, इसी को कहते हैं प्रभु के मार्ग में वापस आना। प्रभु के मार्ग में वापस आने का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे मैंने उस भाई को आज कहा कि अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो पत्नी का सम्मान कीजिएगा, अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो पत्नी माता का सम्मान कीजिएगा, अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो आप बच्चों का सम्मान कीजिएगा, बच्चों से प्यार कीजिएगा, अपने बड़ों का आदर कीजिएगा, क्योंकि हम पांचवी पत्री हैं। आप सारा दिन बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, उससे प्रभु लोगों को थोड़े ही दिखता है कि सारा दिन आप बाइबल पढ़ रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं उससे प्रभु दिख रहा है। आप तो कहीं ना कहीं प्रभु को बदनाम ही कर रहे हैं। आप अपने आप घर की पत्नी है और घर में काम नहीं कर रही है, और काम करते के समय आप कहती हैं कि नहीं हम तो प्रार्थना कर रहे थे, तो आप प्रभु को बदनाम ही कर रही हैं। और यीशु मसीह तो हर जगह ये सिखाया, जैसे वो क्रूशित हो रहे थे तो अपने माँ को किसी शिष्य के हाथ में दे दिए और बोले कि इनका ध्यान रखना, है ना। जहाँ लोग भूखा था उसको भोजन कराएं, जहाँ लोग प्यासा था उसको पानी पिलाएं, जहाँ पैदल चलना था वहाँ पैदल चलें, अपने बुजुर्गों का सम्मान किए, हर जगह छोटी छोटी। जब लोग पूछा कि टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो बोले दो कर देना चाहिए जिसका जो है उसको। हर छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने बताया, कहाँ बताया कि नहीं कुछ नहीं करो, सिर्फ प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। तो अगर हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो हर जगह प्रभु की शिक्षा और आज्ञा के अनुसार जीवन भी है। ये नहीं है कि कचहरी में जाके आप वकील हैं तो आप दूसरे तरीका से जीने लगी है, पुलिस हैं तो आप दूसरे तरीका से जीने लगी है, आप डॉक्टर हैं तो दूसरे नहीं। हर जगह हर रूप में प्रभु समझाए हैं कि कैसे कहाँ क्या करना, और इन सब के पीछे का जो मुख्य काम है जो उसमें कहते हैं, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से रखो। और जकरिया नबी अगर ऐसा कहने के बाद कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो अंत में तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति होगी। अब एक सवाल और है आप लोगों का, कि आप लोग कहते हैं कि भैया मैं इसमें फिट आ जाता हूँ। चलो आप लोगों का कहना है कि मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, मैं अनाथ विधवाओं से ये नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप जो शिक्षाएं दे रहे हैं बाइबल जो शिक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें मैं चलता हूँ, मैं ऑलमोस्ट चलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरी समस्या नहीं जा रही। तो उस समस्या इसलिए नहीं जा रही है कि उसमें भी आपका एक टाइम फैक्टर होता है। जैसे लूका 18:1 दिया गया, फिर उसने इस विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, हैव ए पेशेंस, आपको थोड़ा वेट करना होगा। हर चीज़ का अपना एक उपयुक्त समय है। जैसे सबोपदेशक पढ़िएगा, सबोपदेशक निकालिएगा जिसको बाइबल उपदेशक ग्रंथ भी बोलता है, तो उसमें लिखता है कि फेंकने का समय, उखाड़ने का समय, मारने का समय, मिला चार, सब देख सकते, 3:11 पढ़ो, नहीं 3:1,
सबोदेशक 3:1 पढ़ो, 3:1-3:4। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का भी समय और नाचने का भी समय है। अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों का कहना है, ठीक है भैया मैं यहाँ तक हूँ, मैं इसमें फिट बैठता हूँ, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा मैं सुधार लूँगा, और कुछ लोग कहने कि नहीं मैं तो करता ही हूँ, ऑलमोस्ट मैं करता हूँ फिर भी मेरी समस्या नहीं जा रही, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि उन लोगों के साथ फिर भी प्रभु कह रहा है कि आपको प्रार्थना रेगुलर करते रहना होगा और आपको पेशेंस नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइमिंग है, एक टाइम है, जो टाइम मैंने निर्धारित नहीं कर रखा है वो टाइम ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है और उसी टाइम पे वो काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको नित्य प्रार्थना में लगा रहना। आप बीच में प्रार्थना छोड़ दीजिएगा तो टाइम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब कैसे बढ़ते जाएगा, जैसे इसराइली लोग थे, इसराइली लोग को प्रतिज्ञा देश जाने के लिए मूसा को भेजा गया था, लेकिन मूसा वहाँ पहुँचे तो वो सारा का सारा इसराइली को प्रतिज्ञा देश पहुँचने का ऑलमोस्ट जो समय था 11 से 14 दिन के बीच का था। बहुत लोग आप लोग सुने होंगे 40 दिन, लेकिन गहन अध्ययन करिएगा तो आपको पता लगे कि लगभग 13-14 दिन का वो समय लिखा हुआ बाइबल, क्योंकि 40 दिन हम लोग के जुबान में तो हर चीज़ हम लोग 40 दिन से जोड़ देते, वो 13-14 दिन का समय था, लेकिन इसराइली उसमें क्या किया, इतना ना चिड़चिड़ किटकिट किए कि वो समय धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हालेलुया। यही चीज़ है, जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारा जो ड्यूरेशन है वो घटते जाता है, क्योंकि विपत्ति का समय ना बहुत बुरा समय होता है, वो काटे नहीं कटता। जैसे आप अंधेरी रात देखिएगा, वो रात ऐसी नहीं होती है कि 24 घंटा की हो, वो भी 5-6 घंटा की होती है, लेकिन बहुत लंबी रात होती है। जैसे आदमी किसी बीमारी में हो, है ना, तो वो लग रहा था कि बहुत लंबी बीमारी है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा से बढ़ गया है, लेकिन वो बीमारी है। जब भूख लगी हो और आपको पता है कि 4 बजे खाना है और अभी 2 बज रहा है, 2 घंटा लगता है कि 2 साल बीत गया, अगर मेरी से पूछ लिया तो 2 महीना बीते, है ना, वो भूख लगी हुई है वो 2 घंटा, लेकिन अगर खाया पिया हुआ शरीर हो तो 2 घंटा समझ में नहीं आता। अब जैसे कोई गर्भ धारण किए हुए महिला है, अब उसको पता है कि 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा होना है, अब वो पेट निकाल के घूम रही है, अब सोच रही है अब कितना दिन और कष्ट झेलना होगा, वो 1 दिन 2 दिन अगर उसको अकेले छोड़ दिया जाए किसी गर्भवती महिला को तो टेंशन में उसका दिमाग खराब हो जाएगा, हो जाएगी नहीं छोटी, है ना। तो ये क्या है, उसका एक उपयुक्त समय है, लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा, रेगुलर प्रेयर में रहना होगा और प्रभु से कहना होगा कि प्रभु हमें आशीषित कीजिए। उसी लूका 18 को जब पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि एक न्यायी रहता था, क्या रहता था, न्यायी किसको बोलते हैं, जो न्याय करता है, लेकिन उसके बारे में लिखा था कि वो ईश्वर को भय नहीं मानता था और वो अधर्मी आदमी था, न्यायी पोस्ट पे था, जज के पोस्ट पे था, उसका काम ही था कि गांव में जो भी अच्छा बुरा हो उसका न्याय करना, लेकिन उसमें ईश्वरीय भय नहीं था और वो न्यायी के नाम पे समझिए कि न्यायी नहीं था वो, मतलब गलत सलत काम करता था लेकिन पद वही था। एक बुढ़िया औरत जाती थी उसके पास रोज फरियाद लेके कि हुजूर माई बाप मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, चूंकि इस पद पे तो तुम ही हो, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता था। न्यायी सोचता था यार हम इतना अधर्मी आदमी हैं, हम इतना मतलब प्रभु का भय मानने वाले लोग भी नहीं हैं, तभी भी मेरे पास आती है, हटाओ इसका काम करके खत्म करते। तो प्रभु बोला, जब प्रभु एक जगह लिखता है लूका 18 का 6:7, लूका 18 का 6:7, प्रभु ने कहा सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। प्रभु कह रहा है कि जब वो गलत चलत लोग जो है, जो अधर्मी है, वो रेगुलर मांगने से मतलब नित्य सुबह शाम एक ही बात का रट लगाया है, जिसको ईश्वर का भय नहीं है वो दे देता है, तो क्या हम तुम्हारा दिन सुबह से शाम तक का प्रार्थना नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। इसलिए प्रार्थना पेशेंस नहीं खोना है। आज समाज में बहुत सारे लोग हैं कि चल रहे हैं,
चल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बीच में जब थक जा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना कभी भी नहीं छोड़ना। एक गाना मुझे याद आ रहा था कि गाना याद है कीर्ति तुमको, महिमा हो तेरी महिमा हो, दुनिया की चिंता को छोड़ो, हाँ आगे ही बढ़ते जाना, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, है ना, याद है किसी को एक पहला लाइन? हाँ हाँ, चलिए गाना गाते हैं, दो लाइन आप लोग साथ दीजिए मेरा माइक पे, आइए प्रचार खत्म होने वाला है, माइक ऑन रखिए। ये गाना था, आप लोग सब लोग सुनिए। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। हम लोग सब लोग जहां थे हम लोग सब लोग भटक गए हैं, भूल गए, कोई बात नहीं, अभी तो बताया जा रहा है कि यीशु मसीह यहाँ है, आप आइए, जुड़िए, गढ़ की ओर आइए, निराशा छोड़ दीजिए। अब हम सब लोगों के साथ यही दुर्दशा है, हम सब लोगों के साथ यही दुर्दशा है। जब आप मेरा बाकी स्पीच भी सुनते होंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, हम सब के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन लगे हुए हैं प्रभु के साथ, रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, है ना, रोज रोज लगे हुए हैं हम, कोई आए कोई नहीं आए, भीड़ हो नहीं हो, दान आए नहीं आए, दशमांश आए नहीं आए, यही काम है। क्या किया प्रभु, 10 साल के बाद धीरे धीरे आशीष देता रहा, है ना। अभी एक और छोटा सा उदाहरण देके मैं प्रचार समाप्त करूं, किसी छोटे से पौधे को लगाइए, है ना, अब मान लीजिए जैसे किसी बीज को, जैसे आम का गुटली लगा दिए, अब आम का गुटली क्या हुआ, उसमें से अंकुर निकला, फल दिया नहीं दिया, फिर पानी पटा रहे हैं, फिर खाद दे रहे हैं, फिर उसमें पौधा हुआ, फिर वो पेड़ हुआ, फिर बहुत दिनों के बाद उसमें क्या हुआ, फल आया, काफी सालों के बाद फल आया, लेकिन आप नित्य क्या कर रहे हैं, उसको पोषण दे रहे हैं, है ना। अभी जैसे बच्चे गर्भ से बाहर आते हैं, पहले वो बाहर आए, उसको रोज दूध पिलाया जा रहा है, आपके किसी फायदे का है वो नहीं, बड़ा होके कहीं फायदा करे या नुकसान करे, लेकिन हम अपना काम तो कर रहे हैं। तो जितने लोग हैं उनसे प्रभु कह रहे हैं कि निराशा नहीं पाली, पहला कि आपके जीवन में जो कमी है, जो दूरी है, उसको समाप्त कर दीजिए, गढ़ में आ जाइए, वापस आ जाइए, और दूसरा कि रेगुलर प्रेयर में रहिए। प्रेयर हम लोग छोड़ते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, छोटा सा भी प्रेयर कीजिए, 10 मिनट का प्रार्थना कीजिए, 5 मिनट का प्रार्थना कीजिए, लेकिन वो प्रार्थना प्रभु ने क्या सिखाया, प्रभु ने हमें एक ही प्रार्थना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, ये प्रार्थना कितने देर का है, 2 मिनट का है, लेकिन ये प्रार्थना इफेक्टिव कब हो जाता है, ये बात कोई समझा नहीं, ये प्रार्थना इफेक्टिव तब हो जाता है जब आप गढ़ में है, मतलब जब आप प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो यही प्रार्थना, जैसे यीशु मसीह को आप देखे होंगे, बोले भाई कितना भीड़ है, लोग बोला कि इतना है, 5,000 लोग है, ऐसे है वैसे है, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो सकता है, तो बोले नहीं, तो एक छोटा सा बच्चा आके बोला कि मेरे पास 5 लस रोटी मछली है, बोले लेके आओ, बोले धन्यवाद प्रभु, और दे दिए, कहाँ वो बैठ के बोले कि प्रभु यहोवा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हम जानते हैं कि तुम चमत्कारी परमेश्वर हो, तुम ये बदल सकते हो, कटाक्ष से ऐसे किए, धन्यवाद ले जाओ बांट दो। ये क्यों, तो यीशु मसीह गढ़ में थे, यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार चला करते थे, तो उनके लिए 1 मिनट का भी प्रार्थना बहुत था। जहां दाखरस बदलने, जहां पानी दाखरस घटा हुआ था, क्या बोले, ठीक है ले जाओ बांट दो, है ना। जहां एक महिला मिली, किसने मेरा वस्त्र छुआ, अच्छा
जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। खट से वो महिला का रक्षा बंद हो गया। कोढ़ी आया, जा याजक को दिखा लेना, है ना। 39-38 साल का रोगी था, चल उठ जा, चल दिया। कहाँ बैठ के एकदम पूरा लंबा चौड़ा प्रार्थना कर रहे थे। वो जान रहे थे लाजर के समय में, लिखते भी है लाजर के समय, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वहां लिख दिए, वहां क्या लिखे, वहां लिखते हैं कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू हमारी सुनता है। एकदम यीशु मसीह क्लियर बोल रहे हैं। वो बोल मतलब वो ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। सुनिए कहां ये वचन, देखिए ये पढ़िएगा, 41 पढ़िए, नहीं 42 पढ़िए, यूहन्ना 42, यूहन्ना 11 का 42 पढ़ो कृति। यूहन्ना 11 का 42, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। बोला कि ये जो जोर से बोलना पड़ा कि लाजर बाहर आओ, ये अपने लिए नहीं, हम तो धीरे से भी बोलते, तुम सुनते ही हो, लेकिन ये भीड़ को सुनाने के लिए हमको जोर से बोलना पड़ा। कई बार हम लोग जोर जोर से प्रार्थना करते हैं तो वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। चिल्ला चिल्ला के गला 3 दिन से फंसा हुआ, बोले ना पत्नी भी नहीं पहचान पा रही, पति ही बोल रहा है। लोग के लिए, लोगों के लिए विश्वास चिल्लाना है और उनका इन्वेंटिंग चाहिए, तो उनको वैसा पवित्र आत्मा का फीलिंग महसूस होता है और उनके साथ बदला। हम तो जानते हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुन लेता है। मैं तो अपनी प्रार्थना कैसे करता हूँ, बंद कमरा में। कई बार बगल में पत्नी भी सुनी रहती तो वो भी शब्द को नहीं सुन पाती, इतने धीरे प्रार्थना करते हैं। बस मेरी प्रार्थना मेरी कान तक आनी चाहिए, है ना, रूम बंद करके दरवाजा में गुप्त में करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता प्रार्थना करता है। हाँ, अब प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जा रही है, इसका मतलब कि आप गढ़ में नहीं हैं। गढ़ में अगर आप हैं, अगर आप प्रभु की बेसिक चीजों को पकड़ के रखिए, जैसे यशायाह नबी को जब पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि उचित उपवास क्या है। आप लोग पढ़े भी होंगे, कई बार मेरे अंदर प्रचार भी हुआ होगा इस माध्यम से, तो 58 को जब पढ़िएगा तो लिखता है कि 58:6 से पढ़िए, 6-7 8 6-8 और 9 जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और जब जुओं का टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों में को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ, यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया, एकदम लंबा चौड़ा वचन नहीं पढ़िए। यहाँ लिखता है 9 में, 58 का 9 डालना पड़ना, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा और तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। कितनी अजीब अच्छी बात है ना, जैसे आप पुकारे वो बोला उत्तर दिया, और जैसे आप ढूंढने लगे वह कहेगा अरे मेरी हम यहाँ है, कहाँ ढूंढ रही थी तुम, इधर इधर तुम्हारे सामने खड़े, एकदम सामने, तुम क्यों ढूंढ रही हो, तुम बुलाई हमको, बोलो क्या बात। हालेलुया, जब तक आदम प्रभु की बात मार्ग पे चल रहा था, जैसे आप ईश्वर बुलाता था आदम जाके सामने खड़ा हो जाता था, आदम बुलाता था ईश्वर सामने खड़ा हो जाता था, कोई 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 भेदभाव ही नहीं था। जैसे बात खत्म किया ईश्वर मिलना बंद कर दिया। आज हम लोग को गढ़ की ओर आना है। अगर आप गढ़ में हैं तो छोटी सी प्रार्थना,
पाँच मिनट का सुबह, पाँच मिनट का शाम में, दो मिनट का दस इसमें भी कर सकते हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये नित्य प्रार्थना में लगी रही, यकीन कीजिए बहुत जल्दी आपको प्रभु दूना आशीष देने वाला है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हम सब तेरे पास आते हैं प्रभु, हमारे जीवन में जो भी भटकाव था उससे आज हमें मुक्त कर प्रभु, और हमें गढ़ में वापस ले प्रभु। अगर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं प्रभु, तो हमें प्रार्थना करने का आशीष दे, हमें यकीन दे ताकि हम नित्य प्रार्थना करें, और प्रभु हम प्रार्थना करने से पहले तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं को पकड़ के रखें, हम गढ़ में वापस रहें और लगातार प्रार्थना करते रहें। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु, क्योंकि उसके सहायता के बगैर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। हम सबको उस आत्मा के अभिषेक से भरें। जिनका भी आज जन्मदिन है प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर अभिलाषा ओशीन, इस बच्ची के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और ऐसे जितने लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें आशीषित कर, उन्हें गढ़ की ओर वापस ला प्रभु, उन्हें किसी भी भली वस्तु की कभी घटी ना हो। मैंने बात करते हैं जितने बीमार तेरे बच्चे हैं, वो सबको तूने माफ किया है प्रभु, और उनके जीवन को आशीषित किया है। दीपा, शांति, पूनम, आनंद, सरिता, राम, फुलजेंस, जैस्मिन, गोरेती, सुमीरा, सुशीला, वंशराज, रुबेन, अर्पित, आशा, नंदा, तरसीला, अनीत, दिलीप, जो लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु उनको तूने मुक्त किया है। निर्मल, ज्ञान, शालू, सुशील, विजेंद्र, जरवेल, हेरमन, अनिमेश, जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। दीपेश, किशोरी, ओरेन, ज्वाय, अनुपम, पुनित, नीलिमा, सुशन, सागर, नैंशी, स्वीटी, अनुसा, अनामिका, रोशनी, निशा, सचित, अनीशा, महिमा, संजीरा, गोडलीबा, दिव्या, कंचन, अजीत, अमृता, ग्लोरिया, अनु, और प्रभु हम सब आज पवित्र आत्मा के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, रोशन, रेशमा, अनुग्रह, प्रदीप, संदीप, अनल, कुलदीप, महक, इसिता, शारा, हनोक, अलेक्स, सुजीत, उर्मिला, अभिषेक, आशीष, कमलावती, आदित्य, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, शुभानी, प्रीति, सबन, अनीता, मरियम, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं उर्मिला, जो निसंतान है संताना आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं जेबियर, किशोरी, जो लोग कर्ज में हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो किसी केस, जमीन केस और अन्य केस में पड़े हुए हैं, जो प्रसव पीड़ा से ग्रसित हैं,
मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बच्चों के लिए जो तमाम तेरी बेटियां जो गर्भ धारण की हुई हैं, अभिलाषा, अंजना और ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी सुरक्षा करना पिता, और हम आज तेरे मार्ग पे पूर्ण रूप से आ सके और तेरी महिमा कर सके, हमारी एक छोटी सी भी प्रार्थना पहाड़ हिला सके, ऐसा आशीष में दे। पिता, जिस देश में भी, जिस शहर में भी, जिस राज्य में भी लड़ाई चल रहा है प्रभु, उन सब जगह तेरे शांति की कामना करते हैं पिता। जितने फादर हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, जितने भी सेवक हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग तुझे जानते हैं फिर भी तेरे मार्ग से भटके हुए हैं प्रभु, उनके घर वापसी के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जो तेरी छोटी छोटी शिक्षाओं को नज़रअंदाज करते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो तेरे मार्ग पे आए प्रभु, निरंतर उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर। जो आज थक गए हैं, हार गए हैं, जो प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और इन सब कार्य के लिए तेरी आत्मा की मांग करता हूँ। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज हम सबसे बातें करी है प्रभु। अब तक हमारे माध्यम से, हम सबके माध्यम से जो भी उद्घोषणाएं आपने की है प्रभु, उसको पूर्ण किया। कोई पूनम है जिसे प्रभु स्पर्श कर रहा है इन दिनों, धन्यवाद करें पिता का। ये पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु वो आज्ञा पालन को सीखें, जितने बीमार बच्चे हैं तेरे मार्ग पे आए प्रभु। ये पिता हम सबके अंदर मेल मिलाप और प्यार का आशीष दे, हम सबको प्रार्थना का, वचन का आशीष दे, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर। इस वक्त जिसको भी कुत्ता काटे हुआ है उसके दर्द से, उसके प्रॉब्लम से प्रभु मुक्त कर रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दें। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, प्रभु आपको आशीष दें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना I'm